Me in my room enjoying music on full volume. My mom who called my name 5 times. जो क्रोकोडाइल्स होते हैं वे अपनी जीभ को बाहर नहीं निकाल सकते अन्य जानवरों की तरह, इसलिए आपने इन्हें कभी आज तक जीभ निकालते हुए नहीं देखा होगा। पर किस कारण से अपनी जीभ नहीं निकाल पाते हैं? जो मगरमच्छ होते हैं उनमें एक मेम्ब्रेन होती है जो उसकी जीभ को माउथ के ऊपरी भाग से अटैच कर देती है, जिसे एक जगह पर अटैच रहती है। तो आप सोच रहे होंगे कि ये क्या काम आती है। जब क्रोकोडाइल किसी जानवर का शिकार करते हैं पानी में, ये टंकी अटैचमेंट पानी को उसके मुंह में जाने से रोकती है। हेलो गाइज, जो ह्यूमंस और अदर एनिमल्स होते हैं उनका ब्रेन उनके सिर में होता है और हार्ट उनकी चेस्ट में और स्टोमक एब्डोमन में होता है। परंतु जो श्रिम्प्स होते हैं उनमें ऐसा नहीं है और उनके हेड में उनका स्टोमक है ब्रेन के पास, जबकि मोस्ट वर्टिब्रेट्स में ऐसा नहीं होता है। यूज योर डेमन्स टू योर एडवांटेज। बहुत से लोगों को लगता है कि बैट्स अंधे होते हैं, वे इको से ही फ्लाई करते हैं। जानते इस वीडियो में, जो बैट्स हैं वे अंधे नहीं होते हैं। उनके पास आंखें क्या बस शो के लिए थोड़ी हैं, बल्कि कुछ स्पीशीज के बैट्स का विजन बहुत अच्छा होता है। कुछ चमगादड़ इकोज का प्रयोग करके उड़ते और शिकार करते हैं अंधेरे में। जैसे आपके कमरे में कोई चोर है या नहीं, आपको आगे कुछ दिख नहीं रहा है, बस आपको थोड़ा लग रहा है कि कोई है, तो वहाँ पर कुछ फेंक के मारो, उसी आवाज आएगी और आपको पता लग जाएगा। ठीक ऐसे ही चमगादड़ हाई फ्रिक्वेंसीज की वेव छोड़ते हैं और यदि कोई चीज बीच में होगी तो ये टकराकर उसके पास वापस आएगी और उससे उन्हें पता चल जाएगी कि उन्हें किसका शिकार करना है। वे इन इको से एक दिमाग में मैप बना लेते हैं। ये इको लोकेशन कुछ स्पीसीज के बैट्स के लिए बहुत जरूरी होते हैं, पर सभी बैट्स इनका प्रयोग नहीं करते हैं। कुछ बैट्स इको लोकेशन का प्रयोग नहीं करते हैं, वे अन्य सेंसेस का प्रयोग करते हैं फूड को ढूंढने के लिए, जैसे विजन और स्मेल का, तो इस स्पीशीज पे डिपेंड करता है। पर इनका विजन ह्यूमन की तरह कलर नहीं होता है, बल्कि थोड़ा पिच ब्लैक विजन होता है। Police, you didn't see the red light? Driver, I saw. Then why didn't you stop? Driver, I didn't see you. ये है मून और इसका डायमीटर यानी ये डिस्टेंस 3400 किलोमीटर है और ये है अर्थ। यहाँ पे है ऑस्ट्रेलिया। इसकी ईस्ट टू वेस्ट डिस्टेंस 4000 किलोमीटर है। कुछ देखा, ये डिस्टेंस मून के डायमीटर से अराउंड 600 किलोमीटर ज्यादा है। How to get 1,000,000 views in 3 days? क्या शार्क्स ब्लड को 1 माइल दूर तक सूंघ सकती है? इसमें से बहुत से लोग बोलेंगे कि मैं तो शार्क नहीं हूँ तो मुझे तो पता नहीं है। एक्चुअली ये एक मिथ है, या आप कह सकते हैं कि इसे बढ़ाकर बताया गया। वैसे इनकी स्मेल को डिटेक्ट करने और उनमें अंतर करने की एबिलिटी बहुत आई होती है, जिससे ये बहुत स्मॉल अमाउंट में सब्सटेंस को डिटेक्ट कर सकते हैं, जैसे ब्लड। पर कुछ शार्क होती है जो दूर तक स्मेल कर सकती है, पर 1 माइल तक मुश्किल है। शार्क्स कितनी दूर तक स्मेल कर सकती है ये इन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, जैसे पानी कैसा है, थोड़ा गर्म है या ठंडा है उसके अनुसार, और वह शार्क कौन सी स्पीसीज की है। नॉर्मली शार्क्स कुछ 100 मीटर तक स्मेल को डिटेक्ट कर सकती है, पर शार्क्स ज्यादा ह्यूमन की तरफ अट्रैक्ट नहीं होती है, ये घायल शिकार की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होती है। ये जो शार्क्स के नोस्ट्रिल्स होते हैं ये स्मेलिंग के लिए होते हैं, ना कि ब्रीथिंग के लिए, और इतनी दूर तक ब्लड और उस सब्सटेंस को जाने के लिए थोड़ा समय तो लगेगा ही। क्या पता शार्क जब तक उसके पास पहुंचे वे वहाँ पर होगा या नहीं। Which room will you choose? Free Wi-Fi or free books? Most people will choose free Wi-Fi. I would choose free books room and use free Wi-Fi there. जो ह्यूमंस होते हैं उनके पास केवल एक ही ब्रेन और हार्ट होता है, लेकिन जो ऑक्टोपस होते हैं उनमें ऐसा नहीं है। इनके पास 3 हार्ट्स होते हैं। हार्ट्स का काम होता है कि ब्लड की सप्लाई करना, यानी इन्हें रेगुलर ब्लड की सप्लाई चाहिए। इसका कारण है कि इनमें 9 ब्रेन होते हैं, 8 मिनी ब्रेन होते हैं और 1 ब्रेन जो मेन है उसका मेन कंट्रोल होता है बॉडी पे। ये जो ऑक्टोपस है इनकी इन लेग्स में एक एक मिनी ब्रेन होता है, यानी टोटल 8 ब्रेन्स जो इंडिपेंडेंटली अनुसार कार्य करते हैं। पर जो 9th ब्रेन है वह पूरे नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है और इन मिनी ब्रेन को भी, और इन मिनी ब्रेन को ओवरराइड कर सकता है। इसलिए इतने ब्रेन के लिए ब्लड तो चाहिए, इसलिए इनके पास एक्स्ट्रा हार्ट है, और जो इनके ब्लड का कलर होता है वह रेड नेव के ब्लू होता है। Going to office after graduation. Expectations versus reality. जो गोल्ड होता है वह नेचर में नेचुरली होता है, पर यह गोल्ड आपके शरीर में भी है। अभी आपके शरीर में सोना है पर यह काफी कम मात्रा में है। जो गोल्ड होता है वह गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, तो ये आपके शरीर में इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने में हेल्प करता है।
10 years old me after this. Painter. ये है मिमिक ऑक्टोपस। ये ऑक्टोपस दूसरे समुद्र में रहने वाले जीवों की तरह बन जाते हैं शिकार से बचने के लिए, और ये दूसरे जानवरों की तरह अपना व्यवहार भी बना लेते हैं, फूल उनकी कॉपी कर लेते हैं। जैसे समुद्री सांप, जेलीफिश, ये उनकी तरह बनने से ये शिकार करने वाले जीवों से बच जाते हैं या किसी का शिकार करने के लिए। भेड़ के रूप में भेड़िया बन जाते हैं जब इन्हें शिकार करना होता है। ये साउथ ईस्ट एशिया के पानी में पाए जाते हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया एंड फिलीपींस के ट्रॉपिकल रीजन्स में। इनके साथ ही ये अपनी स्किन का कलर भी चेंज कर सकते हैं और अपना टेक्सचर भी। और ये ज्यादा ग्रुप्स नहीं बनाते हैं, पर इनकी जिंदगी काफी छोटी होती है, 1 से लेकर 2 ईयर्स तक, जहाँ पे ये रहते हैं अन्य जीवों के साथ। When a medical student forgets his headphones home. जो एक ह्यूमन बॉडी होती है उसमें ट्रिलियंस ऑफ सेल होती है, और एक सेल में बड़ी अमाउंट में जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है डीएनए की फॉर्म में, जो एक किताबों की लाइब्रेरी को भर सकती है। जितनी इंफॉर्मेशन एक सेल की डीएनए में होती है उतनी एक बड़ी लाइब्रेरी में भी नहीं भर सकती, और ह्यूमंस में ट्रिलियंस ऑफ सेल होती है। When the teacher catches you cheating and you pretend everything as normal. क्या होगा यदि हिमालय गायब हो जाए? ये हिमालय इंडिया के नॉर्थ टैक्स में है, और ये केवल भारत में ही नहीं है, इनमें ये कंट्रीज भी हैं, नेपाल, भूटान, तिब्बत एंड कुछ हिस्से पाकिस्तान में भी है। आज से करीब 50 बिलियन साल पहले भारतीय प्लेट थी वे यूरेशियन प्लेट से टकराई थी, जिसे हिमालय का निर्माण हुआ था। चलो अब जानते हैं कि हिमालय के गायब होने से क्या होगा। हिमालय साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाओं को रोकता है। हिमालय की हाइट 8000 से ज्यादा तक है। ये इतने विशाल है कि ये एयर मासेस की मूवमेंट में बाधा डालते हैं। सर्दियों में साइबेरिया से कोल्ड विंड साउथ की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देती है, और ये विंड्स बहुत ठंडी होती है, परंतु अब इनके बीच में आ जाता है हिमालय, तो ये विंड्स हिमालय के अंदर से तो नहीं जा सकती और ये राइज करना स्टार्ट कर देती है। एंड हिमालय की इस साइड से स्लोप बहुत तेज है, जिससे राइज करना स्टार्ट कर देती है, और इस विंड के ऊपर जाने को ओरोजेनिक लिफ्टिंग कहते हैं। जैसे जैसे ये ऊपर जाती है वैसे वैसे ठंड होने लगती है, बादल बनने लग जाते हैं, और इस विंडवर्ड वाली साइड पे स्नोफॉल होने लगती है, और हिमालय को क्रॉस करने के बाद ये विंड धीरे धीरे नीचे आने लगती है, और इनका टेम्परेचर ज्यादा होने लगता है, जिससे ये एयर मासेज सूखी होने लगती है, और यहाँ पे ये रेन शेड इफेक्ट करने लगती है। यानी इस साइड का मौसम साफ रहता है, और इस साइड को लीवर्ड साइड कहते हैं, जहाँ से विंड नीचे उतरती है। तो हिमालय इन विंड्स का ऐसे टेम्परेचर को कम कर देता है, यानी ठंडी हवाएं नहीं आने देता है। हिमालय में अलग अलग प्रकार के पेड़ और जानवर पाए जाते हैं, इसके डिसअपीयर से ये सभी भी डिसअपीयर हो जाएंगे। हिमालय ने हजारों वर्षों से नॉर्थ से आने वाले आक्रमणों से बचाया है। आज भी हिमालय चाइना को इन्वेड करने में बहुत मुश्किल पैदा करेगा। चाइना की तरफ से हिमालय की ढाल बहुत ज्यादा है, बिना किसी टेक्नोलॉजी के उस साइड से इस साइड आना इम्पॉसिबल है, तो ये भारत को सेफ्टी प्रोवाइड करता है। यदि हिमालय डिसअपीयर हो जाएगा तो इसे भारत की सेफ्टी पर इफेक्ट पड़ेगा। हिमालय से बहुत सारी रिवर्स निकलती है, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु, और ये रिवर्स कृषि और लोगों की जरूरतों को पूरा करती है। हिमालय के डिसअपीयर से बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। विश्व के बहुत सारे इलाकों से टूरिस्ट हिमालय के टूरिस्ट प्लेस में आते हैं। हिमालय के डिसअपीयर से टूरिस्ट इफेक्ट होंगे। हिमालय साइंस की रिसर्च के लिए उपयोगी है। हिमालय के डिसअपीयर से नॉर्थ इंडिया सूख जाएगा, धरती इनफर्टाइल हो जाएगी क्योंकि रिवर न के बराबर होगी कोई, फूड की शॉर्टेज हो जाएगी जिससे पॉपुलेशन भी इफेक्ट होगी। लास्ट जो हिमालय है उसमें अर्थ के एक बड़ी अमाउंट में ग्लेशियर हैं, जो पूरी अर्थ के तापमान नियंत्रण में एक रोल निभाते हैं। हिमालय के गायब होने से वोल अर्थ पर इसका प्रभाव पड़ेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वन डे बिफोर एग्जाम नीड। वन डे इंग्लिश विल किल अस।